स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हब कौनसुल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जैसा नाम है उसी के अनुसार इसकी परिभाषा है, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, ये यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से निर्मित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, आदि। हाइड्रोकार्बन यानी वे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन। मीथेन का अणुसूत्र CH4, एथेन का C2H6। अब आता है हाइड्रोकार्बन के प्रकार या वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण अर्थात हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी कि इसे संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये है द्विव्रत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। पहला है चक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को द्विव्रत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अब चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो है वो भी दो प्रकार का होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये भी दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक को जलाने पर, एलिफैटिक को जलाने पर बिना धुआं के जलता है, जबकि एरोमेटिक को जलाने पर
काले रंग की धुआं के साथ जलते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, एलिफैटिक एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो बिना धुआं के जलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो काले रंग की धुआं के साथ में जलते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो पेंटेन, इसका उदाहरण देखें बेंजीन। इसके बाद चक्रीय हाइड्रोकार्बन दूसरा प्रकार है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होता है, पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी के यौगिक आते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन श्रेणी एवं एल्काइन श्रेणी के यौगिक पाते हैं। एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, जिसमें हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का है, चक्रीय अचक्रीय। चक्रीय एलिफैटिक एरोमेटिक दो प्रकार का है। एलिफैटिक को जब जलाते हैं तो बिना धुआं के साथ जलता है, एरोमेटिक को जलाने पर काले रंग की धुआं आती है। एग्जांपल इसका साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन, इसका एग्जांपल बेंजीन। इसका अगर एग्जांपल देखें अचक्रीय हाइड्रोजन की हाइड्रोकार्बन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एल्केन श्रेणी का तो हो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसकी एल्केन श्रेणी में एग्जांपल देखें तो हो जाएगा एथेन प्रोपेन ब्यूटेन आदि। इसका एग्जांपल देखें तो हो जाएगा एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन आदि। ये था हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब अपन इसको एक एक बिंदु लेकर के उसकी परिभाषा लिखते हैं और एग्जांपल लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में पहले उसकी परिभाषा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है
चक्रीय हाइड्रो कार्बन कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाता है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, नंबर एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, नंबर दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नंबर एक आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इन्हें जलाने पर बिना धुआं बिना धुएं की ज्वाला के साथ साथ जलते हैं। जैसे साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो पेंटेन साइक्लो हेक्सेन इसके बाद नंबर दो आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन्हें जलाने पर काले रंग की धुआं के साथ जलते हैं। जैसे बेंजीन ये इसका एग्जांपल है बेंजीन। ये था चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब आता है नंबर दो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में नंबर दो है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अपने चक्रीय हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, अपने अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है जो दो प्रकार का है। पहला है इसके पहले इसकी परिभाषा परिभाषा द्वि हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा
जुड़ा हुआ नहीं होता है। अचक्रिय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अचक्रिय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। एग्जाम्पल जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और दूसरा है एल्काइन श्रेणी। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। इसके एग्जांपल जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। इसके एग्जांपल जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आदि। अपने सिलेबस में केवल अचक्रिय हाइड्रोकार्बन ही आता है। इसमें अपन केवल अचक्रिय हाइड्रोकार्बन जो है उसका ही अध्ययन करेंगे। चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो है वो अपने नहीं है। तीनों श्रेणी एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तीनों श्रेणियों में अध्ययन करेंगे जो आज नहीं कल करेंगे।